नमस्कार दोस्तों, टूल किट में अभी तक काफ़ी सारे नए अपडेट्स आ चुके हैं। कल शाम ही दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के ऑफिस पे छापे मारे थे, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं था। और अब ये खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के आईटी सेल के राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता को नोटिस जारी किए हैं और उन्हें कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद सोशल मीडिया का अमेरिकी हेडक्वार्टर भी एक्टिव हो गया है और दिल्ली पुलिस के अफसर ट्विटर के ऑफिस पहुंचे थे। इसके बाद ट्विटर ने अपने ग्लोबल डिप्टी जनरल काउंसिल और लीगल वीपी जिम बेकर को ये मामला सौंपा। हम आपको बता दें कि बेकर अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई में भी काम कर चुके हैं। ट्विटर टूलकिट मामले को लेकर के अमेरिकी सरकार के पास भी जा सकती है और केवल ये एक अच्छी बात है कि ट्विटर इंडिया का दफ्तर कोरोना के बिगड़ते हालातों के कारण से बंद है और अब अमेरिकी हेडक्वार्टर के ने इस मामले में दखल दे दिया है। ट्विटर हेडक्वार्टर लगातार भारत स्थित दफ्तर के संपर्क में है। भाजपा नेताओं की पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी कि तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया जाने वाला मीडिया शब्द से टैग करने के बाद से ही ट्विटर केंद्र सरकार के निशाने पर है। अब दिल्ली पुलिस टूलकिट जांच को लेकर के ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव स्थित दफ्तरों पर भी पहुंची। वहां पुलिस के नोटिस देने के बाद ट्विटर हेडक्वार्टर में काफी तनाव का माहौल है। पुलिस के एक्शन की जानकारी तत्काल हेडक्वार्टर को दी गई। उस वक्त अमेरिका में सुबह नहीं हो पाई थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टूलकिट और मैनिपुलेटेड इंडिया मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि हम जिस शिकायत की जांच कर रहे हैं उसमें हमें ट्विटर का स्पष्टीकरण चाहिए। दिल्ली पुलिस को लगता है कि ट्विटर के पास कुछ जानकारियां हैं जो साझा होनी चाहिए। ट्विटर उन्हें क्लासिफाइड बता रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि उनकी जांच के लिए जरूरी है और वो सच जानना चाहते हैं। टूलकिट और मैनिपुलेटेड मीडिया कंट्रोवर्सी में बहुत सारे चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसमें उन्होंने कांग्रेस की टूलकिट बता करके उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि टूलकिट के जरिए कांग्रेस कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल कर रही है और कांग्रेस ने तुरंत इसका काउंटर किया और कहा कि कथित टूलकिट फेक है और स्क्रीनशॉट में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ट्विटर ने पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इसके अलावा लेखक शेफाली वैद की पोस्ट को भी इसी तरह से टैग किया गया और भाजपा के विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रीति गांधी, सुनील देवधर, चारू प्रज्ञा, कुलजीत सिंह चहल की पोस्ट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया वर्ड से टैग कर दिया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को ये हिदायत दी कि इस तरह की टैगिंग को वो हटाए। सरकार ने कहा कि टूलकिट मामले की जांच की जा रही है। इस तरह से टैगिंग से ट्विटर जांच से पहले अपना फैसला सुनाने जैसी हरकत लग रहा है और दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया एमडी मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा है। उसमें टूलकिट मामले से जुड़े दस्तावेज को लेकर के स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद रहने को कहा है। उन्हें 22 मई को भी पुलिस के सामने प्रस्तुत होना था, लेकिन महेश्वरी ने ये कह करके पुलिस के दफ्तर में जाने से इनकार कर दिया कि वो इस मामले में अथॉरिटी नहीं है। ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजे जाने की सूचना तड़के अमेरिकी हेडक्वार्टर को भेजी गई है और ट्विटर ने अपने सीनियर अफसर को इस मामले में इन्वॉल्व किया है। और जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें जो कांग्रेस के आईटी सेल के राजीव गौड़ा हैं और रोहन गुप्ता हैं उनको भी नोटिस जारी किए हैं और उनको कहा है कि वो अपना जवाब दें। लेकिन इसमें राजीव गौड़ा का कहना है कि वो दिल्ली में आकर के अपना कोई जवाब नहीं देंगे। और आगे इसमें क्या अपडेट आते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए आप
देखते रहिए एमबी स्पीक्स और जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।